हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई होगी, बिल्कुल होगी क्लास। टीचर 5 मिनट क्या लेट हुआ, बच्चे चल पड़ते हैं, क्लास नहीं होगी, चलो खेलने चले। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्लास जो है रेगुलरली अटेंड किया करो भाई, ठीक है। नहीं होगी तो जनरली क्या है, आपको या तो क्लास नहीं दिखेगी या आपको शॉर्ट्स वगैरह के थ्रू हम बता देते हैं अगर लीव पर है, कोई कंडीशन ऐसी है तो। 5-10 मिनट वेट किया करो भाई, बात सिर्फ इतनी है, ठीक है। चलो शुरू करें क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक अड्डा की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर में जाइए और अड्डा की ऐप डाउनलोड कीजिए। इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, इसमें आपको करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, डेली क्विज, पावर कैप्सूल्स, बहुत सारे आपको ये फीचर्स मिलेंगे, डेली मैगजीन्स जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको बूस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर में, टाइप कीजिए AAA247 और डाउनलोड कीजिए अड्डा 24/7 की ऐप। बात करेंगे आपके आज की क्लास की, लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर ज़रूर दबाएं ताकि हमारी क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्लास की बात करूं तो आज हमारी जो क्लास है बच्चे, वो किस पर होने वाली है, वो हमारी होने वाली है किस पर थी, मैं ही भूल गई, हाँ इंसेक्ट वॉल पर थी, है ना। तो इंसेक्ट वॉल वाला जो पोर्शन है वो आप मैराथन में वैसे ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं, मैराथन में हमने इंसेक्ट वॉल को कवर किया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं, 1-to-1 चल रहे हैं, है ना, तो सो फार हमने क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट कर लिया है और अब बारी है इंसेक्ट वॉल की। इंसेक्ट वॉल, इंसेक्ट हेड के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद इंसेक्ट एंटीना, इंसेक्ट लेग्स, इंसेक्ट आईज, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी शुरू हो चुकी है एंड FCI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट देन क्रॉप पेस्ट। FCI में क्रॉप पेस्ट से कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मॉर्फोलॉजी से ज़्यादा चांसेस हैं। वहीं AFO की बात करूँ तो उसमें सिनारियो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन्हें तो मज़ा आने वाला है क्योंकि इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी स्टार्ट हो गई है। मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है मॉर्फोलॉजी को समझना, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए सबसे ईजी लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप क्लास को इंजॉय कर पाए, राइट। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर महापैक। सो गाइज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्जाम्स, आपने नाबार्ड भी देना है, FCI भी देना है, AFO भी देना है, है ना, काफ़ी सारे मल्टीपल एग्जाम देने हैं, तो एग्रीकल्चर महापैक में इनरोल कीजिए। इसमें पूरे साल आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस आपके सारे टीचर्स की, जो सारे एग्जाम्स के जितने भी क्लासेस चल रहे हैं एग्रीकल्चर अड्डा पर, वो सारी क्लासेस आपको वहाँ मिलती हैं, ठीक है। 7359 जो है इसका एनरोलिंग प्राइस है पूरे साल के लिए यूजिंग द कोड Y448, ठीक है। तो इसकी जो रियल फीस है वो है आपकी 31,999, राइट। बट जब आप ये कोड लगाएंगे Y448 यू विल गेट 77%, आपको 77% का ऑफ मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। और आपको पे कितना करना है, 7359 करना है पूरे साल के लिए। चलिए चलते हैं अपना इंसेक्ट वॉल की तरफ। चलो खेल कर वापस आ गए हैं मंद्र, तो इतना लेट हो गई थी क्या मैं कि खेलने चले गए थे। तो इंसेक्ट वॉल की बात करते हैं। द बॉडी वॉल और इंटेग्यूमेंट ऑफ द इंसेक्ट फॉर्म्स एन एक्सोस्केलेटन कवरिंग ऑफ द इंसेक्ट। जैसे हमारा एंडोस्केलेटन होता है, हमारा हड्डियों का ढांचा जो अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या है, एंडोस्केलेटन है। उसी तरीके से इंसेक्ट के बाहर वॉल जो प्रेजेंट होती है वो एक्सोस्केलेटन कहलाती है, ठीक है। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, आउटसाइड, है ना। एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। स्केलेटन का मतलब क्या है, जो आपकी बॉडी को शेप दे, हमारा जो हड्डियों का ढांचा वो हमें शेप दे रहा है ना, हमारी मजबूती बना रहा है। सिर्फ मांस मांस होता तो हम भी कुछ स्नेक जैसे रेंग रहे होते, चल नहीं पाते, राइट। तो इंसेक्ट का जो स्केलेटन है वो बाहर प्रेजेंट है, इसलिए इसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं।
बहुत हार्ड होता है, इंसेक्ट को शेप प्रोवाइड करता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि उसका शेप मेंटेन रहेगा तभी वो आगे कोई काम करेगा, है ना। अब ये जो इंसेक्ट की वॉल है बच्चा, ये इंसेक्ट की वॉल 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। फर्स्ट इज द इनर मैम्ब्रेन लेयर, सेकेंड इज द मिडिल और एपिडर्मल लेयर, थर्ड इज द क्यूटिकल लेयर। ठीक है, ये 3 लेयर बनी होती हैं। जो ये इनर बेसमेंट लेयर है, ये किसी काम की नहीं होती, कोई फंक्शन भी नहीं करती है। ये जनरली जो आपकी मिडिल एपिडर्मिस है, राइट, तो मिडिल एपिडर्मिस लेयर के जो डीजेनरेटेड सेल्स होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, उनका डिपोजिशन होता है और इनर बेसमेंट लेयर बनती है। ठीक है, एपिडर्मिस सेल जो स्किन सेल्स होते हैं, इनको हम एपिडर्मल सेल कहते हैं, ये आप सभी को पता है। तो ये एपिडर्मल सेल्स हैं और उसके ऊपर एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है। ये क्यूटिकल लेयर जो है हार्ड होती है और इम्परमिएबल टू वाटर होती है, तो इंसेक्ट को पानी से बचाती है ना। तो ये क्यूटिकल लेयर बेसिकली एक्सोस्केलेटन का काम कर रही है। तो ये 3 लेयर जो है इंसेक्ट की वॉल या इंटेग्यूमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो इंसेक्ट की जो बाहरी वॉल है, जैसे हमारी बाहरी वॉल क्या, ये स्किन है, ये स्किन हमारी बाहरी वॉल है, जितने भी इसमें लेयर्स हैं। तो इंसेक्ट की जो स्किन लेयर है उसमें मेजर 3 पार्ट्स हैं, बेसमेंट मैम्ब्रेन है, मिडल लेयर है, क्यूटिकल लेयर है। ठीक है, ये 3 भागों में बटी हुई होती है। बच्चे एफसीआई की मैं बात करूं तो किस्मत पर डिपेंड है एंटोमोलॉजी। पिछले साल अगर मैं आपका बताऊं तो एंटोमोलॉजी से काफ़ी कम क्वेश्चंस आए थे, प्लांट डिजीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार सेम पैटर्न फॉलो होगा, हो सकता है इस बार प्लांट डिजीज़ से कम आकर एंटो से ज़्यादा आ जाए, क्योंकि ये दोनों ही एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी जो है, डिजीज़ जो है आपके, दोनों प्लांट प्रोटेक्शन के ही पार्ट हैं। ठीक है, और बात करूं मैं आपके जनरल बायो की, जो आप बॉटनी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जूलॉजी बहुत हाई फाई लेवल की नहीं है, ठीक ठाक लेवल है, बट हाँ एनसीईआरटी लेवल है। अगर एनसीईआरटी ध्यान से नहीं पढ़ी वर्ड टू वर्ड तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड अगर आपको अच्छे से आती है ना, तो जूलॉजी आप कर पाएंगे। बॉटनी का लेवल और थोड़ा सा अप है ना। तो बॉटनी का मतलब आपको, जब आप एग्जाम करेंगे ना, पिछले जो मैंने एग्जाम देखा, पिछले साल का जो एग्जाम देखा, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब पूरे पेपर में ना बॉटनी बॉटनी सा ही फील हो रहा था, कि पूरे पेपर में बॉटनी दे रखी है। तो बॉटनी अच्छे खासे लेवल की थी और ज्यादा क्वेश्चन थे बॉटनी से एज कंपेयर टू जूलॉजी। ठीक है, और एग्रीकल्चर तो मतलब ठीक ठीक था, लेकिन ज्यादा पोर्शन जो है बॉटनी से था, राइट। चलिए एग्रीकल्चर देखो, एग्रीकल्चर में आपको सुनना भी पूरी नहीं पड़नी भाई, इसमें बहुत कम एग्रीकल्चर है। आपके एफसीआई में जो एग्रीकल्चर है बहुत इंट्रोडक्टिव सा एग्रीकल्चर है, जो संदीप सर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एफसीआई में एंटोमोलॉजी बिल्कुल अलग से दिया हुआ है, वो एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं दिया हुआ आपके सिलेबस में। इसमें दिया हुआ है एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी। अब क्योंकि उन्होंने हमें चैप्टर वाइज सिलेबस तो दिया नहीं है, सिर्फ लिखा है एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी, तो हम सिर्फ बेसिक एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, क्रॉप पेस्ट। ठीक है, बहुत हाई फाई लेवल हम एंटो में नहीं जाएंगे, बेसिक एलिमेंट्री तो हमें कंप्लीट करना होगा, जब एलिमेंट्री लिख दिया है, राइट। तो एलिमेंट्री मतलब जो हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जो एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं बेसिकली, वो हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर से। वॉल इज इंटेग्यूमेंट, वॉल का दूसरा नाम इंटेग्यूमेंट होता है, 3 लेयर की है, बेसमेंट लेयर, मिडिल एपिडर्मिस, क्यूटिकल। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है ना। तो बेसमेंट लेयर तो आपकी यहाँ नीचे प्रेजेंट होती है, दिस इज योर बेसमेंट लेयर। बेसमेंट लेयर किससे बनी होती है, ये एपिडर्मिस सेल्स की ही बनी होती है, वो डीजेनरेटेड होते हैं, इतना फर्क होता है, राइट। उसके बाद ये एपिडर्मिस सेल आते हैं, एपिडर्मिस सेल्स को और क्या कहते हैं, स्किन सेल्स। क्या कहते हैं, स्किन सेल्स। तो स्किन सेल्स आपके एपिडर्मल सेल्स हैं, उसके ऊपर क्यूटिकल लेयर आती है। अब क्यूटिकल लेयर फिर से डिवाइडेड है आपकी, कैसे डिवाइडेड है, एंडोक्यूटिकल में और एक्सोक्यूटिकल में। ठीक है, तो क्यूटिकल आपकी एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल में डिवाइडेड होती है।
सॉरी। और फिर स्किन के ऊपर, जैसे हमारी स्किन के ऊपर बाल प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही इंसेक्ट की स्किन के ऊपर भी सिटेई प्रेजेंट होते हैं। सिटेई क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन आगे चलो पढ़ेंगे तभी बता दूंगी। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये जो सॉकेट से निकलते हैं, मतलब यहाँ पर इस तरीके सा सॉकेट बना हुआ होगा और उससे इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, तो ये इसका सिटेई का क्या है? सॉकेट है, राइट। तो इस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। चलो अब ये तीनों के आपके डिस्क्रिप्शन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बेसमेंट लेयर क्या है? जो आपकी डीजेनरेटेड सेल से बनी है, एपिथेलियल सेल से बनी है। एपिडर्मिस आपकी स्किन सेल्स हैं, और ये एपिडर्मिस क्या होती है? यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर का मतलब क्या है? एक सेल की ही विड्थ होगी। वो सेल कितना भी मोटा और कितना भी पतला हो सकता है, लेकिन एक ही सेल की विड्थ है। इसमें मल्टीपल सेल लेयर्स प्रेजेंट नहीं होती है। दिस इज योर एपिडर्मिस लेयर। ये आपकी लाइव टिश्यूज हैं, डीजेनरेटेड नहीं है। कुछ भी ग्लैंड्स अगर निकलते हैं, कुछ भी जो ऑरिजिन होता है स्किन का, वो एपिडर्मल सेल से ही होता है। उसके बाद क्यूटिकल लेयर है, जो कि थिक लेयर होती है और आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, क्यूटिकल लेयर, ठीक है। तो ये जो है आपके बेसमेंट, एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल है। एनिमल्स यानी कि जूलॉजी आपको वर्षा मैम पढ़ा रही है बच्चे, बॉटनी आपको हीना मैम पढ़ा रही है ना, आकाश सर पढ़ा रहे हैं। एनिमल्स आपको जो है वर्षा मैम पढ़ाएंगी, एग्रीकल्चर आपको संदीप सर पढ़ाएंगे, एंटोमोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए तो इंटेग्यूमेंट यानी कि स्किन जो है, वॉल जो है, इसमें दो तरीके की आउटग्रोथ्स या इनग्रोथ्स मिलती हैं, है ना। अगर स्किन देखो ऐसे जा रही है, एपिडर्मल सेल ऐसे जा रहे हैं सीधे सीधे लाइन में, और इनसे इस तरीके की जो है आउटर ग्रोथ निकलती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है या स्किन की आउटर ग्रोथ है, तो ये क्या है? आउट ग्रोथ। इसको क्या कहते हैं? आउट ग्रोथ कहते हैं। स्किन से ऊपर की तरफ निकलना, बाहर की तरफ निकलना इज द आउट ग्रोथ। दूसरी है इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन, इन मतलब अंदर की तरफ, है ना। तो इसमें आपका स्किन सेल ऐसे चल रहा है और अंदर की तरफ अगर स्ट्रक्चर बना लेता है तो इसको क्या कहते हैं? इनवेजिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपके इंटेग्यूमेंट में आउट ग्रोथ और इन्वेजिनेशन प्रेजेंट हो सकती हैं। आउट ग्रोथ में आपके अपेंडेजेस भी आती हैं, है ना। स्किन के ऊपर अपेंडेजेस भी प्रेजेंट होती हैं। अपेंडेजेस में क्या आएगा? आपका एंटीना आएगा, लेग्स आएंगी, ये सारे आपके क्या है? अपेंडेजेस है, लेग्स है, एंटीना है, अपेंडेजेस में काउंट होते हैं, राइट। देन आपके प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेसेस में क्या आएगा? जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही थी, है ना। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? ये प्रोसेसेस कहते हैं। तो इसमें प्रोसेसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, इसमें अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं। दोनों ही स्किन के बाहर की तरफ एक्सपेंड हो रही है, यानी कि आउट ग्रोथ में काउंट होती हैं। वहीं आपके जो इन्वेजिनेशंस हैं, ये दो टाइप के हो सकते हैं, होलो हो सकते हैं या फिर सॉलिड हो सकते हैं। होलो को क्या कहेंगे? एपोडर्म्स कहेंगे। सॉलिड को क्या कहेंगे? एपोफाइसिस कहेंगे, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर होल क्रिएट हो रहा है, खाली है ये जगह, तो ये होलो है। अगर ये जगह इन्वेजिनेशन होके किसी चीज से भरी हुई है तो ये सॉलिड है, ठीक है। तो इट कैन बी अ सॉलिड वन। उसके बाद जो है बच्चा आपका आता है सीटी, स्पर और स्पाइन्स। सीटी क्या है? जो इंसेक्ट की वॉल है उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपकी स्किन पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से इंसेक्ट की स्किन पर भी हेयर प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये जो हेयर है इनको हम क्या कहते हैं? सिटेई कहते हैं, या फिर मैक्रो ट्रैकिया कहते हैं। मैक्रो मतलब जो दिखता है नेकेड आईज से, मैक्रो है। पर सिटेई की एक स्पेशलिटी है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो है लेकिन ये यूनिफॉर्म यूनिसेल्युलर है। क्या है? यूनिसेल्युलर, ठीक है। एपिडर्मिस भी यूनिसेल्युलर थी, उसमें सिटेई भी यूनिसेल्युलर निकलते हैं। यानी कि चाहे कितने भी लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, लेकिन वो पूरे एक ही सेल से बने हुए होते हैं। सो दिस इज योर
यूनिसेलुलर, ओके, ये एक सेल के बने होते हैं जो सिटेई होते हैं। वहीं स्पर क्या है, स्पर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है। फिर क्या डिफरेंस हो गया मैम सिटेई और स्पर में, बताओ जरा। ये जो स्पर है ना, ये जनरली जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर, ठीक है, ये एक सेल के बने हुए नहीं होते, ये कई सेल के बने हुए होते हैं, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं जो स्पर होते हैं। और ये अक्सर इंसेक्ट की पूरी बॉडी पर प्रेजेंट ना होकर किस पर प्रेजेंट होते हैं, लेग्स पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर लेग्स पर प्रेजेंट होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं उनको स्पर्स कहते हैं, जो पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं उनको हम सिटेई कहते हैं, राइट। स्पाइंस क्या है, स्पाइंस आपकी आउटग्रोथ है लेकिन वो हेयर की तरह सॉफ्ट नहीं होती, हार्ड होती है, जैसे कांटे होते हैं ना, गुलाब में कांटे होते हैं, है ना, तो जो कांटे होते हैं वो हार्ड होते हैं और वो हार्ड होते हैं इसीलिए आपको चुभ जाते हैं, क्योंकि वो बालों की तरह मुड़ते नहीं है, सॉफ्ट नहीं है। तो जो हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं स्पर, सॉरी स्पाइंस, ठीक है। तो ये स्पाइंस क्या है, ये थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अक्सर इन स्पाइंस का काम सिर्फ प्रोटेक्शन का होता है, प्रोटेक्शन यानी कि भाई अगर आपकी बॉडी पर स्पाइंस प्रेजेंट है, कांटे प्रेजेंट है, तो कोई आपको टच करेगा तो उसको कांटे चुभेंगे, है ना, तो कोई प्रेडेटर या प्रे आप पर अटैक नहीं करेगा। या जैसे हम अपने खेत के चारों तरफ ऐसी झाड़ियां लगाते हैं जिनमें कांटे ज्यादा होते हैं ताकि कोई एनिमल जो है उसे टच करे तो उसे स्पाइंस चुभेंगे तो वह अपने आप खेत में एंटर नहीं करेगा, है ना, तो इसीलिए ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं स्पाइंस। तो अगर ये स्पाइंस इंसेक्ट की बॉडी पर प्रेजेंट है तो दूसरा एनिमी उस पर जो है टच नहीं करता, फीड नहीं कर पाता, कैच नहीं कर पाता, तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके बॉडी के ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट इज मोल्टिंग। अब स्किन की बात आई है तो मोल्टिंग की बात आएगी। मोल्टिंग क्या है, देखो भैया, दूसरा नाम आपने मेटामॉर्फोसिस सुना होगा, मेटामॉर्फोसिस मोल्टिंग से अलग है, पहले तो ये जान लीजिए, ठीक है। जब हमारी हाइट बढ़ती है तो क्या होता है, जब हमारी हाइट बढ़ती है हमारी स्किन भी बढ़ती है ना, और हम धीरे धीरे इत्तू से थे, 1 फीट के, 2 फीट के हुए, 3 फीट के हुए, 5 फीट के हुए, 6 फीट के भी हो गए, है ना, तो हमारी हाइट तो कंटिन्यूसली इस तरीके से बढ़ती रहती है। लेकिन इंसेक्ट के पास क्या है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, यानी कि उसके बाहर जो लेयर है ना वो बहुत हार्ड है। तो इंसेक्ट का मास जब बढ़ता है, उसकी मसल्स जब बढ़ती हैं, तो उसकी स्किन उसके साथ साथ नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि जो क्यूटिकल है वो काफी हार्ड है, वो उसको बढ़ने नहीं देती है। इस वजह से इंसेक्ट अपना साइज बड़ा नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इंसेक्ट के पास एक तरकीब आई कि पर अगर मुझे तो साइज बड़ा करना ही है भाई टाइम के साथ, तो क्यों ना मैं एक मोल्टिंग करूं। मोल्टिंग का क्या मतलब है, यानी कि जो ये बाहर एक्सोस्केलेटन है, यानी कि जो बाहर आउटर लेयर है, इसको वो तोड़ता है और अंदर से निकलता है एक नई स्किन लेकर और अपना साइज बड़ा करके, ठीक है। यानी कि ये काम आपने जनरली सुना होगा स्नेक्स में, है ना, अगर छोटे मोटे आपके खेत होंगे, गार्डन होंगे, तो कहीं ना कहीं आपने स्नेक की स्किन पड़ी हुई भी देखी होगी, क्योंकि स्नेक स्किन चेंज करता है, ये सब जानते हैं, बट इंसेक्ट्स भी स्किन चेंज करते हैं, ठीक है। तो जब ये अपना साइज बड़ा करते हैं तो पुरानी स्किन को शेड कर देते हैं और नई स्किन के साथ बाहर निकलते हैं और अपना साइज बढ़ा पाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं, ठीक है। सो मोल्टिंग जो है आपकी स्किन शेडिंग प्रोसेस है, बेसिकली दिस इज मोल्टिंग, ठीक है। अपना प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब ये जो मोल्टिंग है ये 3 अलग अलग भागों में बांटी गई है। फर्स्ट इज एपोलाइसिस, एपोलाइसिस, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू क्यूटिकल, यानी कि शुरुआत होना, ऊपर जो क्यूटिकल है, पुरानी जो क्यूटिकल है उसका डिसॉल्व होना, उसका कमजोर होना शुरू हो जाता है और नीचे नई क्यूटिकल बननी शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अब नई क्यूटिकल के साथ बाहर निकलेगा ना वो पुरानी छोड़ के, तो वो नई क्यूटिकल बनना शुरू हो जाती है और पुरानी क्यूटिकल वीक पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये जो पहला स्टेप है इसको बोलते हैं एपोलाइसिस।
उसके बाद दूसरा आता है एक्डाइसिस। एक्डाइसिस के टाइम क्या हो रहा है, अब आपके नीचे जो लेयर बन रही थी, इंसेक्ट है ना, ये आपका इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट के ऊपर ये आपका एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। तो अब ये ऊपर वाली लेयर भी प्रेजेंट है और नीचे इसने अपनी स्किन नई भी बना ली है, ठीक है, नई स्किन भी तैयार हो गई है और पुरानी स्किन भी है। सो दिस इज द स्टेज जब इंसेक्ट के पास दोनों स्किन है, न्यू फॉर्म्ड स्किन है, जो नई स्किन वो बनाना शुरू कर रहा था एपोलाइसिस के टाइम पर वो पूरी हो गई है और अभी तक पुरानी स्किन शेड नहीं हुई है, यानी कि ये वो स्टेज है जब इंसेक्ट के पास दोनों ही लेयर्स प्रेजेंट है, आपकी ओल्डर क्यूटिकल भी प्रेजेंट है और क्या है, न्यू क्यूटिकल भी प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अब दोनों क्यूटिकल प्रेजेंट है, एपिक्यूटिकल एंड प्रो क्यूटिकल एंड एक्सोक्यूटिकल सब प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको कहते हैं फेरेट इंस्टार। अब क्या होगा, ऊपर की जो क्यूटिकल है, बाहर की ओल्ड क्यूटिकल जो है वो टूटना शुरू होगी, है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो रेंडमली कहीं से भी टूटना शुरू हो जाएगी, एक प्रॉपर पॉइंट होता है जिसे कहते हैं लाइन ऑफ वीकनेस। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ वीकनेस। लाइन ऑफ वीकनेस से जो ऊपर की क्यूटिकल है ये टूटना शुरू होगी और इंसेक्ट जो है नई क्यूटिकल के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद स्क्लेरोटाइजेशन होगा, यानी कि जब ये इंसेक्ट निकला है ना, ओल्ड क्यूटिकल गिर गई नीचे, नई क्यूटिकल के साथ बाहर निकला है इंसेक्ट, अभी जो नई क्यूटिकल है ये फ्रेश है, सॉफ्ट है ना, नई क्यूटिकल क्या है, सॉफ्ट है। अब इस नई क्यूटिकल का क्या होगा, स्क्लेरोटिनाइजेशन होगा, इस नई क्यूटिकल को हार्ड बनाया जाएगा, तभी तो इंसेक्ट का जो है उसको दूसरी चीजों से बचाया जा पाएगा, है ना। तो जो ये नई क्यूटिकल है इसके हार्ड होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आफ्टर शेडिंग ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल द न्यू क्यूटिकल जो है सॉफ्ट है, मिल्की वाइट है, तो इसको डार्क कलर की और हार्ड स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ता है यूजिंग द टेनिन स्क्लेरोटिनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें स्क्लेरोटिनाइजेशन होती है, तो यानी कि जो नई क्यूटिकल जो निकली है उसकी हार्डनेस को, उसके हार्ड बनाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्क्लेरोटिनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका मोल्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, राइट। देखो यहाँ आप जीआईएफ में देख सकते हैं, ये इंसेक्ट जो है कुछ मस्कुलर एक्टिविटीज करता है और ये नई क्यूटिकल के साथ बाहर निकल गया और इसकी पुरानी क्यूटिकल कहाँ रह गई, यहाँ नीचे रह गई है ना, तो ये अपनी इस पुरानी क्यूटिकल को छोड़ के नई स्किन के साथ बाहर निकल जाता है। अब इसमें कई सारे हार्मोन्स का भी रोल होता है, अपने आप ये सारी चीजें ऑटोमेटिक नहीं हो रही है। कौन से हार्मोन्स हैं, जुवेनाइल हार्मोन है, मोल्टिंग हार्मोन है, एक्लूजन हार्मोन है, जुवेनाइल, मोल्टिंग एंड एक्लूजन, राइट। जुवेनाइल हार्मोन क्या करता है, इंसेक्ट को जवान रखता है, जुवेनाइल मतलब जवान रखना, उसको यंग रखना, ठीक है। तो ये किसका काम है, जुवेनाइल हार्मोन का काम है। तो जब तक इंसेक्ट की बॉडी में जुवेनाइल हार्मोन हाई रहेगा, मोल्टिंग हार्मोन लो रहेगा, क्योंकि जुवेनाइल ज्यादा है तो वो इंसेक्ट को क्या रखेगा, यंग रखेगा, यानी कि इमेच्योर स्टेज में रखेगा। जैसे जैसे जुवेनाइल हार्मोन कम होगा और मोल्टिंग हार्मोन ज्यादा होगा, क्योंकि ये मोल्टिंग हार्मोन ज्यादा है तो इंसेक्ट किस में जाएगा, मोल्टिंग प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। तो मोल्टिंग हार्मोन क्या है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स, ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड से निकलता है एंड इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग, और ये प्रोसेस करवाता है, मोल्टिंग का प्रोसेस इसकी वजह से हो पाता है। फिर एक्लूजन हार्मोन है, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल से निकलता है एंड इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस, पुरानी मेम्ब्रेन के गिरने में, उसके डिजोल्व होने में, उसको वीक बनाने में कौन काम आता है, एक्लूजन हार्मोन काम आता है। मोल्टिंग करवाने के लिए आपको मोल्टिंग हार्मोन चाहिए होता है, जुवेनाइल हार्मोन इसको यंग स्टेज में, इमेच्योर स्टेज में रखता है। तो ये तीन हार्मोन्स जो हैं आपके पूरे मोल्टिंग में जरूरी है, इनका प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है ताकि मोल्टिंग प्रॉपर तरीके से और टाइमली हो पाए, ठीक है। सो दीज आर योर हार्मोन्स। उसके बाद आता है आपका बॉडी सेगमेंटेशन,
ठीक है, बॉडी सेगमेंटेशन, आप सभी को पता है इंसेक्ट की जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है ना, और तीन सेगमेंट्स की इसकी बॉडी होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, ये सभी को पता है ना, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, तीन भागों में आपकी जो है इंसेक्ट की बॉडी डिवाइडेड होती है। अब इन थोरैक्स में देखो, थोरैक्स में यहां पर तीन सेगमेंट्स होती हैं, आगे जाके मैं बता दूंगी। चलो तो ये जो ग्रुपिंग की जाती है, एब्डोमेन में बहुत सारी सेगमेंट्स होती है इंक्लूड, है ना, 10-11 सेगमेंट्स होती हैं। तो इनकी जो ग्रुपिंग की जाती है, सेगमेंट्स की जो ग्रुपिंग की जा रही है उसको क्या बोलते हैं, टेगमोसिस। क्या बोलते हैं, टेगमोसिस। तो इंसेक्ट के सेगमेंट्स तो ज्यादा हैं, लेकिन कुछ सेगमेंट्स को हमने थोरैसिक पार्ट में डाला है, कुछ सेगमेंट्स को एब्डोमिनल पार्ट में डाला है, कुछ सेगमेंट्स को हेड पार्ट में डाला है। तो ये जो ग्रुपिंग करते हैं हम, इस ग्रुपिंग को क्या कहते हैं, टेगमोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेगमोसिस, राइट। हेड में आपके माउथ पार्ट्स, आईज, एंटीना, ये सब प्रेजेंट होते हैं। थोरैक्स फिर से डिवाइड होती है प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स में। एब्डोमेन जो है आपकी लगभग 7-11 सेगमेंट्स की होती है। तो इस तरीके से इंसेक्ट की बॉडी पूरी डिवाइडेड होती है। एफ कोड, बच्चे मुझे याद नहीं है अंजलि, एफ कोड में आप वैसे बताइए आपने किस पोस्ट से भरा है, AG3 टेक्निकल, रिपोर्ट जनरल, किससे भरा है? आई थिंक टेक्निकल आएगा इसमें आपका, है ना। तो टेक्निकल पोर्शन में आपका एंटोमोलॉजी पोर्शन है, पेपर टू में जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर में जाएंगे तो उसमें एंटोमोलॉजी जो पोर्शन है वो ये पोर्शन आएगा बच्चे, जिसमें हम इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं। अगर मुझे गलत ध्यान है, कोड एफ में कोई और पोस्ट है तो मुझे अभी बता दीजिए ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि ये सब्जेक्ट आपके रिलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, देन इंसेक्ट हेड। इंसेक्ट हेड जो है हाईली स्क्लेरोटनाइज्ड एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, और इसमें आपके जो है लगभग कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, 6 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे इंसेक्ट हेड में कितने सेगमेंट हैं, 6 सेगमेंट हैं। एंड इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन रीजन्स, प्रोसिफेलोन एंड गनैथोसिफेलोन। ठीक है, प्रोसिफेलोन एंड गनैथोसिफेलोन, दो पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए, तो गनाथो का मतलब बेसिकली होता है माउथ पार्ट्स, जॉ स्ट्रक्चर्स, यानी कि माउथ पार्ट्स वाला स्ट्रक्चर एक है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर एक है, दो भागों में इसको बांट दिया गया है। ये पूरा जो है आपका क्या है, इंसेक्ट का हेड है, राइट, दिस इज योर इंसेक्ट हेड। इंसेक्ट के हेड की शुरुआत कहां से होती है बच्चे, वर्टेक्स, किससे होती है, वर्टेक्स से होती है, यानी कि ये जो आपका पार्ट है जिसे आप हाइट नापते हैं, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट जो आपको टच करते हैं क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, उसके बाद आपके जो है इंसेक्ट है ना, ये आपके माउथ पार्ट्स हैं, नीचे वाले क्या है, आपके माउथ पार्ट्स हैं। तो इसमें आपका क्या है, मैंडिबल्स प्रेजेंट है, मैग्जिला प्रेजेंट है, लैब्रम प्रेजेंट है ना, ये दीज आर योर माउथ पार्ट्स। अब मैंडिबल क्या है, मैग्जिला क्या है, ये आपको जब हम माउथ पार्ट्स पढ़ेंगे प्रॉपरली समझेंगे तब समझ आ जाएगा। बेसिकली लैब्रम लिप्स को कहते हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप, लैब्रम आपका अपर लिप होता है। मैग्जिला आर योर स्ट्रक्चर्स जो माउथ पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। मैंडिबल्स आर योर जॉ लाइक स्ट्रक्चर्स जिसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं ना। तो बेसिकली ये तीनों आपके क्या है, माउथ पार्ट्स हैं। क्या है, ये तीनों आपके माउथ पार्ट्स हैं। उसके बाद ये आपका जो बीच में बनता है ना, ये ऑसिपिटल फोरामेन है। क्या है, ऑसिपिटल फोरामेन, और इसी के ऊपर होता है ऑसिपिटल सूचर। देखो ये एक प्लेट है, दिस इज वन प्लेट, दिस इज सेकंड प्लेट, है ना, ये सेकंड प्लेट है। इन दोनों के बीच ये जो प्लेट है ना, दूसरा ले लेती हूँ मैं पेन, ये जो है दोनों प्लेट्स को जो जोड़ रहा है, इस जोड़ को क्या कहते हैं, सूचर। तो सूचर क्या है, दो प्लेट्स को आपस में जोड़ता है ना, जैसे दो ईंटें हैं, दो ईंटों को जोड़ने के लिए आप बीच में सीमेंट डालते हैं ताकि वो जुड़ जाए। तो ये जो दो प्लेट्स हैं बीच में, जिस चीज से जुड़ती हैं, जो लाइन क्रिएट होती है दो प्लेट्स के बीच जुड़ने की वजह से, इसको कहा जाता है सूचर। ठीक है,
वैसे भी सूचर का मतलब क्या है, सूचर का मतलब होता है जैसे आपका कट लग गया ना, तो भी करते हैं ना टाके लगाए हैं, सूचर लगाए हैं, तो सूचर क्या करता है, दो किनारों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज सूचर, दो प्लेट्स को जोड़ने का काम सूचर करता है। दिस इज योर ऑसिपुट पार्ट आएगा आपका, जो ऊपर पार्ट आता है, दिस इज योर ऑसिपुट पार्ट। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हाइपोस्टोमल ब्रिज कहते हैं, दिस इज योर हाइपोस्टोमल ब्रिज। नेक्स्ट जो आपका आएगा, ये देखिए, ये आपके जो है 6 सेगमेंट है, मैंने कहा था ना 6 सेगमेंट में डिवाइडेड है, तो वो 6 सेगमेंट कौन सी है, ये 6 सेगमेंट है आपके फर्स्ट प्री एंटेनरी सेगमेंट, यानी कि एंटेना से पहले वाला पार्ट, जहां पर एंटेना प्रेजेंट है उसके आगे का जो पार्ट है, पहले वाला जो पार्ट है, दैट इज योर प्री एंटेनरी सेगमेंट्स। उसके बाद एंटेनरी सेगमेंट आएगी जिसमें एंटीना प्रेजेंट है, दिस इज योर एंटेनरी सेगमेंट। उसके बाद इंटर कैलरी सेगमेंट आएगी, है ना, बीच का जो आएगा हिस्सा, इंटर कैलरी सेगमेंट। उसके बाद यहां तक आपका क्या है, प्रोसिफेलोन है, यहां तक क्या है आपका, प्रोसिफेलोन है, क्योंकि मैंने बताया था हेड को दो भागों में बांटा जाता है, प्रोसिफेलोन एंड गैनाथोसिफेलोन। जैसे माउथ पार्ट शुरू होंगे, मैंडिबुलर सेगमेंट शुरू होगी, गैनाथोसिफेलोन आ जाएगा, है ना। तो मैंडिबुलर सेगमेंट, मैक्सिलरी सेगमेंट एंड लेबियल सेगमेंट, ये तीनों किस में आ रही हैं, ये आपके गैनाथोसिफेलोन में आ रही है ना। दिस आर योर गैनाथोसिफेलोन, क्योंकि ये माउथ पार्ट्स हैं, तो माउथ पार्ट्स में 3 सेगमेंट है एंड प्रोसिफेलोन में 3 सेगमेंट है, दोनों में तीन तीन सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। जी बिल्कुल, लाइगेस एंजाइम की तरह सूचर होता है। लाइगेस एंजाइम क्या करता है, डीएनए को जोड़ने का काम करता है, सूचर क्या करता है, इंसेक्ट की प्लेट्स जोड़ने का काम करता है, राइट। चलो नाम याद हो गए, ये प्रोसेफेलोन गनैथोसेफेलोन, सेफेलोन का मतलब होता है हेड, प्रोसेफेलोन एंड गनैथोसेफेलोन। गनैथो में माउथ पार्ट्स आते हैं, क्योंकि गनैथो का लिटरेट मीनिंग होता है जॉ, तो ये आपके माउथ पार्ट्स में आते हैं, गनैथोसेफेलोन आपका माउथ पार्ट्स होगा, राइट। तो आपके माउथ पार्ट्स किस पोजीशन पर है, उस के बेसिस पर इंसेक्ट के हेड का नाम रखा जाता है ना। तो इंसेक्ट के हेड का नाम किस बेसिस पर रखा गया है, कि उनके माउथ पार्ट्स किस पोजीशन पर हैं। जैसे फर्स्ट इज हाइपोगनाथस, हाइपो का मतलब होता है बिलो, नीचे, है ना, हाइपो ओवरी, हाइपो जहां लग जाता है मीन्स इंफीरियर है, नीचे की साइड में है। गनाथस का मतलब है जॉ, यानी कि माउथ पार्ट्स। तो इसके जो माउथ पार्ट्स हैं, देखिए ये आपकी इंसेक्ट बॉडी है इस डायरेक्शन में, और इसके माउथ पार्ट्स हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ पर नीचे की साइड, है ना। तो ये क्या है, हाइपोगनाथस टाइप ऑफ माउथ है। बॉडी से जो आपका ये है, ये एंगल बन रहा है, बॉडी एंगल और आपका माउथ पार्ट एंगल, ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, दिस इज योर हाइपोगनाथस। एग्जाम्पल जैसे कि ग्रास होपर्स, ग्रास होपर में जो माउथ पार्ट है वो नीचे की तरफ होते हैं, टूवर्ड्स द अर्थ होते हैं, है ना। सो दीज आर योर एग सॉरी ग्रास होपर्स, जिसमें हाइपोगनाथस, हाइपो का मतलब क्या होता है, बिलो। जब इनका लिटरेट मीनिंग हम याद करेंगे ना, तो ये नाम हमें याद हो जाएंगे। अगर लिटरेट मीनिंग याद नहीं करेंगे, तो ये नाम हाइपोगनाथस फलाना गनाथस ये याद ही नहीं होने, तो हमें याद रखना है इनके लिटरेट मीनिंग से। हाइपो का मतलब है बिलो, गनाथस का मतलब है जॉ। उसके बाद प्रोगनाथस आते हैं, प्रो का मतलब होता है फ्रंट, जिसके माउथ पार्ट फ्रंट में प्रेजेंट है, सामने प्रेजेंट है, जैसे कि बिटल्स, है ना। तो ये देखिए, ये माउथ पार्ट जो है बिल्कुल सामने के सामने प्रेजेंट है, ये इंसेक्ट की बॉडी है और ये इंसेक्ट के माउथ पार्ट है एक ही डायरेक्शन में, तो ये क्या है, ये प्रोगनाथस है। क्या है, प्रोगनाथस। एग्जाम्पल है आपका बिटल्स, बिटल्स आपके प्रोगनाथस माउथ पार्ट में होते हैं। उसके बाद आपका था ओपिस्थोगनाथस, ओपिस्थो, ओपिस्थो का मतलब क्या होता है, बिहाइंड, ओपिस्थो का मतलब क्या होता है, बिहाइंड, यानी कि जिनके माउथ पार्ट्स पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, बिहाइंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बग्स। एग्जाम्पल क्या है, बग्स, बी फॉर बिहाइंड, बी फॉर बग्स।
ओपिस्थोगनाथस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स किस में प्रेजेंट होते हैं? बग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इनके माउथ पार्ट इस तरीके से पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, इधर ही के साइड बॉडी है, इधर ही के इस तरफ माउथ पार्ट्स हैं, है ना, पीछे की तरफ बॉडी की तरफ है। तो ये क्या है आपके? बग्स, बिहाइंड जिसमें प्रेजेंट होता है। तो ओपिस्थोगनाथस में आपके पीछे की तरफ माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं। हेड हो गया, बारी आती है थोरैक्स वाले हिस्से की। थोरैक्स वाला हिस्सा है आपका तीन भागों में बंटता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। ठीक है, आपके जो विंग्स प्रेजेंट होते हैं, विंग्स सिर्फ आपके मीजो और मेटाथोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं। दो विंग्स मतलब चार विंग्स प्रेजेंट होते हैं, एक पेयर मीजो से निकलता है, एक पेयर मेटा से निकलता है। ठीक है, तो ये आपके विंग्स जो है सिर्फ मीजो और मेटा में प्रेजेंट होते हैं। लेग्स तीनों में प्रेजेंट होती है, एक एक पेयर। लेग्स आपकी तीनों में प्रेजेंट होती है, एक एक पेयर, क्योंकि छह लेग्स प्रेजेंट है, तीन सेगमेंट है, तो तीनों से एक एक पेयर निकलेगा। तो लेग्स तीनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन विंग्स मेटा और मीजो में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो योर प्रोथोरैक्स इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। और जो आपका प्रोथोरैक्स है, थोरैक्स वाला जो रीजन है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जमी हुई है। वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है, जो पीछे की साइड होती है ना, उसको कहते हैं टर्गम। क्या कहते हैं? यहाँ जो ऊपर की साइड आपको दिखेगी, ये क्या होती है? टर्गम। और जो नीचे की साइड होती है, इसको कहते हैं स्टर्नम। इसको क्या कहते हैं? स्टर्नम। तो ऊपर की साइड टर्गम प्रेजेंट होती है, नीचे की साइड स्टर्नम प्रेजेंट होती है, और जो साइड आपको दिख रही है, ये वाली साइड, लेटरल साइड है ना, इस पर क्या ये प्रेजेंट है? प्लूरोन। क्या प्रेजेंट है? प्लूरोन। ठीक है, तो इन तीनों सेगमेंट्स के ना नाम अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। टर्गम ऊपर की तरफ है, स्टर्नम नीचे की तरफ है ना, और प्लूरोन लेटरल की तरफ है। तो ये तीनों आपने याद रखने हैं, ये आपके जो है प्रोटेक्टिव लेयर है। प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि स्क्लेराइट, जो कि आपके थोरैक्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। फिर आ जाते हैं एब्डोमेन पर। एब्डोमेन में बहुत सारी सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। हर सेगमेंट में यहां पर ये आप इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखते हैं ना, ये इंसेक्ट का एब्डोमेन है, हम इस तरीके से बनाते हैं। तो यहां पर गोल गोल बनाते हैं। गोल गोल क्या है? ये है स्पाइरिकल्स। क्या है? स्पाइरिकल्स। इनसे क्या होता है? इंसेक्ट CO2 को अंदर लेता है, सॉरी ऑक्सीजन को अंदर लेता है और CO2 को बाहर निकालता है। यानी कि रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? जैसे हमारे नाक के नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो कि O2 अंदर लेकर जाते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, उसी तरीके से इसके नॉस्ट्रल्स क्या है? स्पाइरिकल्स हैं, जो कि रेस्पिरेशन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? रेस्पिरेशन का। लास्ट सेगमेंट को टेल्सन कहते हैं, जो कि प्रोट्यूरा में प्रेजेंट होती है। यानी कि अगर लास्ट जो सेगमेंट है वो टेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, तो वो टेल्सन कहलाती है। क्या कहलाती है? टेल्सन, टेल लाइक स्ट्रक्चर। और ये किस में प्रेजेंट होती है? प्रोट्यूरा में प्रेजेंट होती है। उसके बाद आपके जो एब्डोमेन है, दे कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियल गिल्स। कभी कभी इनमें जो है स्पाइरिकल्स की जगह गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो कि पानी में रहते हैं, तो उनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रैकियल गिल्स भी आपके एब्डोमिनल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, एक दो टर्म है, प्रोपोडियम एंड प्रोनोटम। ठीक है, प्रोपोडियम क्या है? एक इंसेक्ट है, ये हेड है, ये थोरैक्स है। ये थोरैक्स ना बिल्कुल यहाँ पर एकदम नैरो हो जाता है, खत्म हो जाता है ना, और यहां से एकदम से यूं चौड़ा करके आपका एब्डोमेन निकलता है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको कहते हैं प्रोपोडियम। क्या कहते हैं? प्रोपोडियम। यानी कि आपके थोरैक्स की लास्ट सेगमेंट और एब्डोमेन की फर्स्ट सेगमेंट मिलकर बिल्कुल कंसाइज सा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको प्रोपोडियम कहते हैं। यहाँ बीच से ऐसा लगेगा जैसे इंसेक्ट खत्म ही हो गया है और फिर एकदम से एब्डोमेन शुरू होता है। ये स्ट्रक्चर सारे इंसेक्ट में प्रेजेंट नहीं होता है ना। नॉर्मली कैसे प्रेजेंट होगा? ये आपका हेड है,
ये थोरैक्स है, तो ये इतना नैरो नहीं होता, इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इतना नैरो नहीं होता, जिसमें बहुत नैरो हो जाएगा और फिर एकदम से जो है इलेबोरेट होता है, इस स्ट्रक्चर को प्रोपोडियम कहते हैं। जैसे आपका हनी बीज में होता है, आंट्स में होता है, मकोड़े में होता है, वास्प में होता है, तो इनमें ये प्रोपोडियम प्रेजेंट होता है। दूसरा आपका टर्म है प्रोनोटम। क्या है? प्रोनोटम। अब ये प्रोनोटम क्या है? जो ये थोरैक्स है ना, इस थोरैक्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, किसी किसी इंसेक्ट में, सब में नहीं होती, ठीक है। थोरैक्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, उसे प्रोनोटम कहते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर ऑन थोरैक्स, ठीक है। तो ये क्या होती है? ये प्रोनोटम होती है। तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, और कई बार हम जब जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं या फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये वही नाम है, तो वही नाम नहीं है। प्रोनोटम अलग है, प्रोपोडियम अलग है, राइट। चल अब फटाफट से क्वेश्चन करके दिखाओ, तो मैं समझूंगी कि आपको क्लास जो है बिल्कुल सही समझ आई है। ग्रास होपर्स द स्क्लेराइट ऑन द फ्रंट ऑफ द हेड लोकेटेड बिटवीन फ्रॉन्स एंड द लैब्रम। ग्रास होपर्स में जो हेड के स्क्लेराइट हैं, जो फ्रॉन्स और लैब्रम के बीच होते हैं, लैब्रम यानी कि ओवरलिप, ओवर अपर लिप, एंड फ्रॉन्स यानी कि सामने वाला हिस्सा, फ्रंटल हिस्सा, फ्रॉन्स, इसके बीच में कौन सा सेगमेंट या स्क्लेराइट प्रेजेंट होता है इंसेक्ट के हेड में? फटाफट बताओ। बताओ बताओ बताओ, आंसर क्या होगा इसका? ए, क्लाइपियस, ठीक है। तो क्लाइपियस कौन सा हिस्सा है? देखो ये जो हमारा नाक वाला हिस्सा है ना, सबसे आगे जो है, ये इसको फ्रॉन्स कहते हैं। फ्रॉन्स यानी कि फ्रंट से याद रखना, फ्रंट इज फ्रॉन्स, ठीक है। लैब्रम अपर लिप है, हमें पता है। अब फ्रॉन्स और अपर लिप के बीच वाला जो पार्ट है, मूंछ वाला जो पार्ट है, उसको इंसेक्ट में क्या बोलते हैं? क्लाइपियस। क्या बोलते हैं? क्लाइपियस बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। काइटिन इज मोस्ट अबंडेंट इन विच पार्ट ऑफ द एक्सोस्केलेटन? एक्सोस्केलेटन के किस पार्ट में काइटिन सबसे ज्यादा मिलता है? एक्सोक्यूटिकल में, प्रोक्यूटिकल में, क्यूटिक्यूलिन लेयर में, या फिर एपिडर्मिस में? काइटिन इनमें से सबसे ज्यादा किस में मिलता है? प्रोक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल, क्यूटिक्यूलिन लेयर, या फिर एपिडर्मिस? क्या होगा आंसर? द आंसर विल बी, काइटिन सबसे ज्यादा मिलता है आपको प्रोक्यूटिकल में, ठीक है। प्रोक्यूटिकल में आपको काइटिन सबसे ज्यादा मिलता है अमाउंट में, वैसे तो पूरी क्यूटिकल में होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था एक्सोक्यूटिकल एंडोक्यूटिकल है ना, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्रोक्यूटिकल, एंड प्रोक्यूटिकल में सबसे ज्यादा आपका काइटिन कंटेंट होता है ना, तो आंसर क्या आएगा? प्रोक्यूटिकल। विच स्ट्रक्चर इज यूनिसेल्युलर? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर यूनिसेल्युलर है? स्पाइन, सिटेई, ग्लैंड, या फिर पाइल? पाइल, स्पाइन, स्पर्म या ग्लैंड, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर यूनिसेल्युलर है, यानी कि एक ही सेल्स का बना हुआ होता है? ये yes, बच्चे काइटिन प्रोटीन है। यूनिसेल्युलर कौन सा होता है? सीटा या सिटेई, ठीक है। सीटा इज मल्टीपल, सिंगुलर बोलेंगे तो बोलेंगे सिटी, ठीक है। विच कंपाउंड वुड बी फाउंड इन एक्सोक्यूटिकल बट नॉट इन एंडोक्यूटिकल? कौन सा कंपाउंड है जो एक्सोक्यूटिकल में तो मिलता है लेकिन एंडोक्यूटिकल में नहीं मिलता है? काइटिन है, प्रोटीन है, क्विनाइन है, या वैक्स है? विच कंपाउंड फाउंड इन एक्सो क्यूटिकल बट नॉट इन एंडोक्यूटिकल? एंडोक्यूटिकल में नहीं मिलता लेकिन एक्सोक्यूटिकल में मिलता है। काइटिन, प्रोटीन, क्विनाइन या वैक्स? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बच्चा आपका क्विनाइन। क्या होगा? क्विनाइन। तो क्विनाइन जो है एक्सोक्यूटिकल में मिलता है बट एंडोक्यूटिकल में नहीं मिलता है। आंसर विल बी
सी, प्रोटीन तो काइटिन इज अ प्रोटीन, एक्सोस्केलेटन में भी मिलता है और एंडोस्केलेटन में भी मिलता है, तो प्रोटीन नहीं लगाएंगे। ठीक है, इंसेक्ट के मेजर सेक्शंस क्या हैं? हेड बॉडी लेग्स, हेड एब्डोमिन लेग्स, हेड नेक बॉडी या हेड थोरैक्स एब्डोमिन। तो मैंने अभी अभी आपको बताया इंसेक्ट की सेगमेंटेशन में क्या क्या होता है, हेड थोरैक्स और एब्डोमिन तीन रीजन होते हैं। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे आंसर, डी आंसर लगाएंगे, हेड थोरैक्स और एब्डोमिन। राइट, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, डी आंसर होगा, हेड थोरैक्स एंड एब्डोमिन। व्हाट इज एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन क्या होता है, व्हाट इज एक्सोस्केलेटन? एक्सोस्केलेटन क्या होता है? लिटिल यूज पार्ट ऑफ द एक्सोस्केलेटन, सॉरी स्केलेटन, पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट पॉक्स आउट, हार्ड कवरिंग आउटसाइड द इंसेक्ट और सॉफ्ट कवरिंग ओवर द स्केलेटन। सी, हार्ड कवरिंग जो है आपकी इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर जो प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन कहते हैं। किस चीज की बनी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है, क्या कहते हैं, क्यूटिकल लेयर भी कहते हैं। एन इंसेक्ट मस्ट शेड इट्स एक्सोस्केलेटन फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ग्रो एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शेडिंग, मेल्टिंग, मॉल्टिंग या एक्सोस्केलेटनाइजेशन। टाइम टू टाइम इंसेक्ट को अपनी स्किन शेड करते रहना चाहिए अपना साइज बढ़ाने के लिए, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग, मॉल्टिंग, शेडिंग या एक्सोस्केलेटनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, जल्दी बताइए। मॉल्टिंग, राइट, क्या कहेंगे, मॉल्टिंग, है ना, ये प्रोसेस जो हमने अच्छे से पढ़ा है इसको क्या कहते हैं, मॉल्टिंग कहते हैं। टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द क्यूटिकल आर, क्यूटिकल के दो मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं, क्यूटिकल लेयर में जो सबसे ज्यादा मिलते हैं, काइटिन एंड प्रोटीन है, काइटिन एंड लिपिड है, वैक्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ क्यूटिकल्स आर, क्यूटिकल के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, काइटिन है, प्रोटीन है, काइटिन एंड लिपिड्स हैं, वैक्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यस, आंसर क्या होगा, ए, काइटिन एंड प्रोटीन, काइटिन एंड प्रोटीन आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ क्यूटिकल लेयर, क्यूटिकल लेयर में यही दो कंपोनेंट्स सबसे ज्यादा मिलते हैं। राइट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है, व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एपिक्यूटिकल इज अनपिगमेंटेड एंड डज नॉट हैव काइटिन, एक्सोक्यूटिकल हैव अ डेंस मैट्रिक्स एंड हार्डन्ड थ्रू द स्क्लेरोटनाइजेशन, एंडोक्यूटिकल इज डाइजेस्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मॉल्टिंग, एपिक्यूटिकल लेयर इज अबंडेंट विद काइटिन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्या होगा आंसर, ए, एपिक्यूटिकल इज अनपिगमेंटेड, ये सच नहीं है ना, हम तो जानते ही हैं क्यूटिकल लेयर में क्या होता है, पिगमेंटेशन बढ़ती है, स्क्लेरेटनाइजेशन बढ़ती है, वो डार्क कलर का होने लगता है ना, तो वो अनपिगमेंटेड नहीं हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, सो आंसर क्या लेना है, हमने ए आंसर लेना है। राइट, हेड कैप्सूल इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ नंबर ऑफ क्यूटिकल प्लेट्स, हेड कैप्सूल कितनी प्लेट से मिलकर बना है, स्क्लेराइड, किस प्लेट से मिलकर बना है, सॉरी कितनी नहीं है, स्क्लेराइड से मिलकर बनता है, सूचर से मिलकर बनता है, क्रेनियल वॉल से मिलकर बनता है या एपिक्रेनियम वॉल से मिलकर बनता है। यस, द आंसर इज ए, हेड के जो अलग अलग प्लेट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स कहते हैं, इन स्क्लेराइड्स को जोड़ने का काम कौन करता है, सूचर करता है ना, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, ए हमारा आंसर आएगा, स्क्लेराइड। स्क्लेराइड्स आर जॉइंट बाय, स्क्लेराइड्स किसकी हेल्प से जुड़ते हैं, तो ये तो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता दिया है,
स्क्लेराइट्स को हम सूचर्स की हेल्प से जोड़ते हैं. किसकी हेल्प से जोड़ते हैं? सूचर्स की हेल्प से जोड़ते हैं. तो यहां पर आंसर क्या होगा? बी हमारा आंसर होगा, सूचर्स. ठीक है, चलिए. डैश प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द क्रेनियल वॉल. क्रेनियल वॉल को मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? स्क्लेराइट देते हैं, क्रेनियल वॉल खुद देती है, एपिक्रेनियम देता है, या फिर सूचर देते हैं? क्रेनियल वॉल को मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? सूचर्स. सूचर्स ही है जो उसे जोड़ कर रखते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, उसको अपने प्लेस पर रहने में हेल्प करते हैं. तो अगेन इसका आंसर क्या आएगा? सूचर्स आएगा, बी. डैश इज रिगार्डेड एज द अपर लिप ऑफ द माउथ पार्ट. माउथ पार्ट के अपर लिप को क्या कहते हैं? लैब्रम कहते हैं, क्लैपियस कहते हैं, फ्रॉन्स कहते हैं, लेबियम कहते हैं. अपर लिप को, माउथ पार्ट को और क्या कहते हैं? लैब्रम, लेबियम, क्लैपियस, फ्रॉन्स. गाइज डू लाइक द सेशन. इफ यू आर लाइकिंग द क्लास तो हिट बटन दबाएं, क्लास को लाइक करें और मैडम को बताएं कि आपको क्लास अच्छी लग रही है. नहीं नहीं भाई, ये तो मैंने पूरी स्लाइड में चिक चिक कर बताया आपको. जो अपर लिप होती है वो क्या होती है? लैब्रम होती है. जो लोअर लिप होती है वो लेबियम होती है. ठीक है, तो आंसर यहाँ पर ए आएगा. ठीक है, चलो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्विज. आज की क्विज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्विज में और जो है अपने नए नए क्वेश्चंस लेकर, अपने कंसेप्ट्स लेकर. और फटाफट से बैच में एनरोल कीजिए भाई, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं एंड यू नीड टू रिफाइन योर कंसेप्ट. आपको अपने कंसेप्ट रिफाइन करने हैं, बेटर करने हैं, स्ट्रॉन्ग करने हैं एग्जामिनेशन तक. तो फटाफट से बैचेस में जुड़िए. यहाँ पर मैंने आपको फीस बताई हुई है. आपके जो प्री और मेंस दोनों की तैयारी इसमें करवाई जाएगी. 4140 रुपीज इज द एनरोलिंग फीस फॉर योर बैचेस अगर आप कोड का यूज करते हैं Y448. 4+4 8 होते हैं. ठीक है, चल. सो दिस इज योर कॉम्बिनेशन बैच. अगर आप लोगों ने AG3 टेक्निकल और FCI मैनेजर दोनों पोस्ट के लिए भरा है तो आपको दोनों के लिए अलग अलग इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको कॉम्बिनेशन बैच में एनरोल करना है. जिसकी फीस ऑफकोर्स अगर दोनों को ले तो 8,000 बनेगा, लेकिन इसकी फीस आपको सिर्फ 4,500 पे करनी है. 4599 विद द कोड Y448, जिसमें प्री और मेन्स दोनों का ही जो है आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा. राइट, थैंक यू सो मच उर्मिला फॉर योर मोटिवेशन वर्ड्स, आई वुड से. एंड कैसे इन बैचेस में एनरोल करना है लेट यू नो, बट अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें. भैया खुशियां हो या ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना. चलो, सो कैसे इन बैचेस में एनरोल करना है? अपना गूगल खोलना है आप लोगों ने. दीपक शायद बच्चा मिस हो गया होगा मुझसे, जस्ट एक बार दोबारा लिख लीजिए अपना क्वेश्चन. ठीक है, गूगल में आपने टाइप करना है Adda247 और इस तरीके से आपकी साइट दिखेगी. साइट में सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ऑल कोर्सेज, इसको डाउन कीजिए. यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे आपको दिखेगा FCI. FCI को क्लिक कीजिए. जिस भी पोस्ट में आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट को क्लिक कीजिए. जिस उस पोस्ट रिलेटेड जो है आपके सारे दरवाजे खुल जाएंगे. तो दीज आर योर लाइव बैचेस. आपका टेक्निकल, जनरल, डिपोर्ट, अकाउंट, सारे आपके लाइव बैचेस हैं प्लस कॉम्बिनेशन बैच है. क्लास शुरू हो चुकी है 7th of October से. सो फटाफट एनरोल करें. जैसे ही हम किसी भी बैच पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं वैलिडिटी इसकी 12 महीने तक है. कौन से सब्जेक्ट इसमें कवर करवाए जा रहे हैं, कौन से टीचर्स इसको पढ़ा रहे हैं, स्टडी प्लान क्या है, किस डेट को क्या क्लास लग रही है, एवरीथिंग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होता है. तो पढ़िए, समझिए. अगर आपको लगता है कि वर्थ इन्वेस्टिंग चीज है तो इन्वेस्ट कीजिए. नहीं करना आपको लगता है यार मेरी प्रिपरेशन के लिए मैं खुद ही सक्षम हूँ तो बहुत अच्छी बात है, गो फॉर द सेल्फ स्टडीज. लगता है कि मुझे गाइडलाइंस की जरूरत है, मुझे कंसेप्ट रिफाइन करने की जरूरत है, सो दिस इज द राइट टाइम. एग्जाम से एक महीने पहले कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तब MCQs ही अटेम्प्ट हो पाते हैं. ठीक है, सो जस्ट गो ऑन द बाय नाउ बटन. आपको नई विंडो मिलेगी, उसमें आपने कूपन कोड लगाना है यहां पर, विच इज Y448.
जैसे ही वाई 448 लिख के हमने यहाँ पर किया अप्लाई, तो ये जो आपकी फीस है जहाँ 18,000 आपको दिख रही है, 17,999, वो रिड्यूस होकर कितनी हो जाती है, 4,140 रुपीज़ हो जाती है, जिसकी 12 मंथ्स की वैलिडिटी है और प्री और मेंस दोनों के ही इसमें आपको क्लासेस मिलेंगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. गुड बाय गाइस. दीपक ने तो अभी तक दोबारा क्वेश्चन लिखा नहीं है और आपके दूसरे टीचर बाहर आ चुके हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा. गुड बाय एंड टेक केयर.